नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं पल्लवी शर्मा पेश करते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। डॉक्टर राजीव बिंदल बने हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष। अध्यक्ष बनने के बाद जोश में दिखे राजीव बिंदल, कार्यकर्ताओं को किया नमन। जयराम बोले संगठन का काम अब डॉक्टर के पास, नब्ज देखकर मर्ज का लगाएंगे पता। नागरिकता संशोधन कानून पर शांता का विपक्ष पर प्रहार, आंदोलन भड़काने में क्या शर्म नहीं आती। डीजीपी मरड़ी ने माना हिमाचल की जेलों में है क्षमता से अधिक कैदी। एयर इंडिया ने धर्मशाला चंडीगढ़ की फ्लाइट के किराए में की कटौती। बोर्ड कार्यालय में 28 और 29 जनवरी को होगी डीएलएड के लिए काउंसलिंग। मोटर मैकेनिक ने ठीक की मंडी की ऐतिहासिक घड़ी। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर राजीव बिंदल हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। होटल पीटर हॉफ में बिंदल को अध्यक्ष बनाने की बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने विधिवत घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती और प्रदेश भर से आए पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल पूरे जोश में दिखे। पीटर हॉफ में कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राजीव बिंदल ने जोशीले अंदाज से बीजेपी कार्यकर्ताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं, वह उन्हें नमन करते हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर बने हैं। कार्यकर्ताओं का दिल से आभार है। उन्होंने सतपाल सिंह सत्ती को संगठन की रीढ़ बताया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते डॉक्टर राजीव बिंदल पर कुछ बंदिशें थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के नाते जनसभाओं में शिरकत नहीं कर पाते थे। आज मुझे लगता है कि उन्हें आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि संगठन का काम अब डॉक्टर के पास है, जो नब्ज देखकर मर्ज का पता लगा सकते हैं और इलाज ऐसा होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सरकार को चलाने में कार्यकर्ताओं और संगठन का सहयोग जरूरी होता है। सरकार ने 2 साल में कई अभूतपूर्व काम किए हैं। चुनावी राजनीति से अलग हो चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें आंदोलन भड़काने पर जरा भी शर्म नहीं आती, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। शांता का कहना है कि भारत द्वारा बनाया गया नागरिकता कानून विश्व में नया नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों में मूल निवासियों को फिर से बसाने और नागरिकता देने के कानून बने हैं। अमेरिका में वहाँ मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, उन्हें कभी भी वापस आने पर नागरिकता दी जाती है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। जी मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। उत्तरी भारत में चिट्टा का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में भी चिट्टा पुलिस के लिए गले की फांस बना हुआ है। पिछले साल हिमाचल में करीब 1450 चिट्टा के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 1950 के करीब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह बात हमीरपुर पहुंचे डीजीपी सीताराम मरड़ी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। मरड़ी ने कहा कि पुलिस की कामयाबी के कारण इस वक्त हिमाचल की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। नशे के आदि युवाओं का नशा छुड़ाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। कांगड़ा घाटी में आने वाले पर्यटकों के लिए एयर इंडिया ने धर्मशाला चंडीगढ़ की फ्लाइट के किराए में 26% की कटौती की है। एयर इंडिया ने ऑफ सीजन छूट देते हुए धर्मशाला से चंडीगढ़ की फ्लाइट का किराया 1712 रुपए से घटाकर
1,418 रुपए प्रति टिकट कर दिया है, जबकि चंडीगढ़ से धर्मशाला का किराया 1,260 प्रति टिकट है। कम हुए किराए 21 से 30 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने कहा कि फ्लाइट रविवार को छोड़कर रोजाना सुबह 8:30 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगी और 9:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होगी। डीएलएड सत्र 2019-21 की तीसरे चरण की काउंसलिंग 28 और 29 जनवरी को बोर्ड कार्यालय में होगी। हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए केवल उन्हीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बोर्ड कार्यालय में बुलाया जा रहा है जो कि प्रथम व द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी कारण भाग नहीं ले सके थे। इसके अतिरिक्त तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया केवल निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की रिक्त सीटों के लिए ही आयोजित की जाएगी। छोटी काशी मंडी के संकन गार्डन में ऐतिहासिक घंटा घर की घड़ी को मंडी के मोटर मैकेनिक ने ठीक कर दिया। पहले इसे ठीक करने के लिए कोलकाता से इंजीनियर बुलाना पड़ता था, इसके लिए लाखों की राशि चुकानी पड़ती थी। भ्रादीवीर के कार मैकेनिक सनी ने वर्षों से बंद पड़ी इस घड़ी को ठीक कर दिया है। सनी करीब 32 सालों से कार मैकेनिक का कार्य कर रहे हैं, इससे पहले वह घड़ियों का काम भी कर चुके हैं। वह चाहते थे कि मंडी शहर के ऐतिहासिक घंटाघर को ठीक करने में योगदान दें। उनकी इस ख्वाहिश पर नगर परिषद ने उन्हें मौका दिया। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।